नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लासी मीडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ मुशर्रफ राणा। चलिए शुरुआत करते हैं बिग बुलेटिन की खबरों के साथ। बुलंदशहर में डीएम रविंद्र कुमार ने किया जिला अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड और फ्लू वार्ड का निरीक्षण। निरीक्षण के दौरान कोरोना वायरस को लेकर वार्ड में की गई सभी व्यवस्थाएं पाई गई दुरुस्त। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिला अधिकारियों को स्वयं आइसोलेशन वार्ड के निरीक्षण करने के आदेश दिए। डीएम ने लोगों से कोरोना वायरस से जागरूक रहने और लोगों से साफ सफाई रखने और हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करने की अपील की। सर, आपके द्वारा जिला अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड का निरीक्षण किया गया है, निरीक्षण के दौरान क्या कुछ पाया गया? देखिए, बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। जिला अस्पताल बुलंदशहर में आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। ग्राउंड फ्लोर पे दो हॉल हैं जिसमें 5-5 लोगों के ठहरने की व्यवस्था है और दो अलग अलग शौचालय हैं, उनका एग्जॉस्ट भी अलग है। और फर्स्ट फ्लोर पे दो हॉल है, उसको अभी खाली करवा के उसमें बेड लगाया जाएगा, वहाँ भी दो शौचालय हैं। तो शासन द्वारा दिए गए निर्देशानुसार कि समस्त जो इसके हॉल हैं वो सेग्रीगेटेड होने चाहिए, उनकी व्यवस्था सेग्रीगेट होनी चाहिए। इसके अलावा शासन की ये भी निर्देश है कि फ्लू कॉर्नर बनना चाहिए जिसमें जितने भी पेशेंट हैं जिनको फीवर संबंधी शिकायत है या सांस संबंधी शिकायत है तो उनके लिए एक अलग से OPD लगेगा। तो उसके लिए हमने सेपरेट बिल्डिंग की व्यवस्था की है। अभी उसमें मार्गदर्शक चिन्ह लगा के उनको सेपरेट कर दिया जाएगा। अभी हम यहाँ से हमारे जनपद में 3 ऐसे हॉस्पिटल हैं जहाँ आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं। एक तो जनपद बुलंदशहर जो हेडक्वार्टर है जहाँ हम लोग खड़े हैं, इसके अलावा सिकंदराबाद में हॉस्पिटल है और खुर्जा में है। तो हमारा प्लान है अभी मैं सिकंदराबाद में जाऊंगा और कल खुर्जा आइसोलेशन वार्ड का निरीक्षण करूंगा। धन्यवाद सर। कोरोना से बचाव के लिए आप क्या कुछ जनता से जागरूकता के लिए अपील करना चाहेंगे? देखिए, अभी तो सरकार के द्वारा जो रिंगटोन है मोबाइल का उसमें भी आ रही है, तो लोगों को मालूम है क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। इसमें हमारे लोगों से यही अनुरोध रहेगा कि जितना ज़्यादा साफ सफाई पर ध्यान दें, केमिकल से हैंड वॉश से हाथ धोएं, किसी के संपर्क में जब भी छींक आती है या खांसी आती है तो किसी के नज़दीक ना जाएं। खांसी करते समय या छींक करते समय अपने खुले हाथ पे ना लें बलगम को, उसको नैपकिन पे लें और उसको सेपरेट डस्टबिन में भेजें। लोगों से हाथ ना मिलाएं, नमस्ते करें, चूँकि ये कॉन्टैक्ट डिजीज है, संपर्क में आने से फैलता है। और जब भी ऐसी सूचना मिले कि कोई आदमी विदेश से आए हैं जहाँ की इन्फेक्शन हुआ है या कोई इन्फेक्टेड आदमी हो तो तत्काल प्रशासन को सूचना दें ताकि हम उनका सैंपल लेके आइसोलेशन वार्ड में रखें और सैंपल लेके उसको टेस्टिंग के लिए भेजें। अगर सैंपल पॉजिटिव आया है तो उसको फिर हम संबंधित अस्पताल में, भारत सरकार द्वारा डेजिग्नेटेड अस्पताल है, वहाँ ट्रीटमेंट के लिए भेजें। धन्यवाद।